गांव में रहने वाला एक नौजवान लड़का पुरानी बुरी यादों को ना भूल पाने और एक ही चीज के बारे में बार बार सोचने की आदत से परेशान था। अगर उसे कोई कुछ कह देता या फिर उसके साथ कुछ थोड़ा सा भी गलत हो जाता तो वह बस उसी एक घटना के बारे में पूरे दिन सोचता रहता। वही बात उसके दिमाग में हर समय घूमती रहती। फिर वो या तो अपने साथ हुई किसी बुरी घटना के लिए अपनी किस्मत और भगवान को कोसता रहता, या फिर अपने मन में उस इंसान से बदला लेने के ख्याली पुलाव बनाता रहता जिसने उसे कुछ कह दिया था या उसके साथ कुछ गलत किया था। अपने इस ज़्यादा सोचने की आदत की वजह से ना तो लोगों के साथ उसके अच्छे रिश्ते थे और ना ही वह किसी काम को अच्छे से कर पाता था। वह हर समय तनाव व मानसिक अशांति की स्थिति में रहता। उसकी ऐसी हालत को देखकर उसके एक मित्र ने उसे सलाह दी कि यहाँ पास के ही एक बौद्ध मठ में एक जैन मास्टर रहते हैं, तुम उनके पास जाओ, वो तुम्हारी इस मानसिक समस्या का कोई ना कोई समाधान अवश्य बता देंगे। वह नौजवान लड़का जैन मास्टर के पास जाता है और अपनी समस्या उन्हें बताता है कि कैसे वो एक ही घटना के बारे में बार बार सोचता रहता है और पुरानी बुरी बातों व यादों को भूल नहीं पाता। लड़के की समस्या सुनने के बाद जैन मास्टर वहाँ से उठकर मठ के अंदर चले जाते हैं। जैन मास्टर का बिना कुछ उत्तर दिए यूं उठकर चले जाना लड़के को कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन वो फिर भी वहीं बैठा रहता है। थोड़ी देर बाद वह देखता है कि जैन मास्टर मिट्टी की गिलास में पानी भरकर उसकी तरफ चले आ रहे हैं। जैन मास्टर लड़के के पास आकर खड़े हो जाते हैं तो लड़का भी उनके सामने खड़ा हो जाता है। जैन मास्टर लड़के से पूछते हैं, बताओ इस ग्लास का वजन कितना होगा? लड़के ने कहा, मैं एकदम सटीक तो नहीं बता सकता, लेकिन इस ग्लास का वजन बहुत ही कम है। अब जैन मास्टर ने गंभीर होकर कहा, मेरा प्रश्न ये है कि अगर मैं इस ग्लास को थोड़ी देर तक ऐसे ही पकड़कर खड़ा रहूं तो क्या होगा? लड़के ने कहा, कुछ भी नहीं होगा। जैन मास्टर ने फिर पूछा, अगर मैं इस ग्लास को इसी तरह एक घंटे तक पकड़ कर रखूँ तो क्या होगा? आपके हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा। लड़के ने कहा। जैन मास्टर ने फिर प्रश्न किया, अगर मैं इस ग्लास को ठीक इसी तरह पूरे दिन पकड़ कर रखूँ तब क्या होगा? आपके हाथ में बहुत ही भयंकर दर्द होना शुरू हो जाएगा, आपका हाथ सुन्न भी हो सकता है, आपके मांसपेशियों में भारी तनाव आ सकता है और यहाँ तक कि आपके हाथ को लकवा भी मार सकता है। लड़के ने गंभीर शब्दों में कहा। जैन मास्टर ने कहा, बहुत बढ़िया, लेकिन क्या इस दौरान ग्लास का वजन बदला? लड़के ने कहा, नहीं वजन तो नहीं बढ़ा। तब भला हाथ में दर्द और मांसपेशियों में तनाव क्यों आया? जैन मास्टर ने पूछा। बहुत समय तक पकड़े रहने के कारण, लड़के ने जवाब दिया। जैन मास्टर ने फिर प्रश्न किया, अब इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए मैं क्या करूँ? ग्लास को नीचे रख दीजिए, लड़के ने कहा। जैन मास्टर ने कहा, बिल्कुल सही, और जीवन की परेशानियाँ भी कुछ इसी तरह होती हैं, इन्हें कुछ देर तक अपने दिमाग में रखिए और लगेगा कि सब कुछ ठीक है, उनके बारे में ज़्यादा देर तक सोचिए और आपको पीड़ा होने लग जाएगी, और इन्हें और भी देर तक अपने दिमाग में रखिए, फिर ये आपको अशांत व पागल करने लग जाएंगी और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जैन मास्टर ने लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहा, अपने जीवन की पिछली गलतियों और घटनाओं के बारे में सोचना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जरूरी है उनसे सीखकर आगे बढ़ना। अगर तुम एक ही बात को पकड़कर बैठे रहते हो तो ठीक उस ग्लास की तरह ये भी तुम्हारे जीवन में दर्द पैदा कर देगा। अगर तुम आज अपने अतीत को लेकर बैठे रहते हो तो ये आज भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा और फिर तुम भविष्य में इसके लिए पश्चाताप करोगे। तुम अपने अतीत के लिए जैसा इंसान बनना चाहते हो या फिर जिन गलतियों के लिए पश्चाताप कर रहे हो तो तुम आज से ही वैसा इंसान बनने का प्रयास करो और कोशिश करो कि आज तुम वैसी गलतियां ना करो जिसके लिए तुम्हें भविष्य में पछताना पड़े। इसलिए चिंता करना बंद करो और अपने आज के कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि चिंता व्यक्ति को उसकी चिता तक ले जाती है। दोस्तों, चिंता करने की आदत को छोड़कर एक खुशहाल जीवन कैसे जिया जाए, इस पर विश्व प्रसिद्ध लेखक डेल कार्नेगी ने एक बहुत ही अच्छी किताब लिखी है जिसका नाम है हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, यानी चिंता छोड़ो सुख से जियो। अब तक 10 मिलियन से ज़्यादा लोग इस किताब को पढ़ चुके हैं, और अगर आपके पास इसे पढ़ने का टाइम नहीं है तो आप हिंदी में इस पूरी किताब को सुन भी सकते हैं कुकु एफएम ऐप पर। इस किताब में चिंता करने की आदत से छुटकारा पाने के कई सारे तरीके बताए गए हैं। मैंने भी इस किताब को 2 बार सुना है, और अगर आप चाहें तो आप भी कुकु एफएम को डाउनलोड करके ये किताब और ऐसी ही हजारों किताबों को ऑडियो फॉर्म में सुन सकते हैं, वो भी अपनी मनपसंद लैंग्वेज में। कुकु एफएम जो कि इंडिया का सबसे बड़ा ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है, उसके पूरे साल भर का सब्सक्रिप्शन पड़ता है सिर्फ 399 रुपीज का, लेकिन इसमें भी आप 200 रुपये बचा सकते हैं अगर आप यूज़ करते हैं कूपन कोड WI200, और आपको इसका ईयरली सब्सक्रिप्शन पड़ेगा 399 की बजाय सिर्फ
199 रुपीज में। लेकिन जल्दी कीजिएगा क्योंकि यह ऑफर सिर्फ पहले 250 यूजर्स को ही मिल पाता है। ऐप को डाउनलोड करने की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट कमेंट पर मिल जाएगी।